हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में। इस वीडियो में खास करके हम लोग ह्यूमन स्पर्म के बारे में बात करने वाले हैं। स्पर्म बोले तो ये मेल गैमेट है, मेल गैमेट बोले तो ये सेक्स सेल है। ओके, सिंपल भाषा में बोले तो ये सेक्स सेल है। वैसे ही फीमेल का सेक्स सेल को हम एग या फिर ओव्यूल कहते हैं। ओके, तो जब ये स्पर्म इसके साथ फ्यूज करेगा तो रिजल्ट क्या बनेगा, जायगट बनेगा, जो कि एक न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म है। हर एक सेल के पास इस तरह का एबिलिटी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ सेक्स सेल मेल गैमेट और बोले तो स्पर्म के पास ही यह एबिलिटी मौजूद है। ये एक के साथ फ्यूज करेगा, उसके बाद जायगट बनाएगा। ओके, इसका ये खासियत है। दूसरी बात है कि स्पर्म को हैप्लोइड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? हैप्लोइड सेल कहते हैं। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है। हमारे शरीर में जितने सेल हैं लगभग हर सेल में 46 क्रोमोसोम होता है, लेकिन इस सेल के पास सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम दिखने को मिलते हैं, जिसका मतलब ये है कि इसका एग्जैक्ट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? हैप्लोइड सेल कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे? हैप्लोइड सेल। थर्ड अमेजिंग पॉइंट ये है कि ये इकलौता ऐसा सेल है जो कि हमारे बॉडी में अपने मर्जी से मूव कर सकता है, मतलब ये मूवमेंट कर सकता है। बाकी RBC WBC ये तो प्लाज्मा में तैरते हुए मूव कर रहे हैं ना, लेकिन ये सेल अपने मर्जी से मूव कर सकता है क्योंकि इसके पास टेल होता है। बाकी हमारे बॉडी में एक भी ऐसा सेल नहीं है जिसके पास टेल हो और टेल का इस्तेमाल करके मूव कर रहा हो। सिर्फ स्पर्म ही एक ऐसा सेल है जो कि टेल के मदद से मूव कर सकता है। और इसके लाइफ स्पैन के बारे में बात करें तो ये 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। कहाँ? फीमेल बॉडी के अंदर। अगर ये इजैकुलेट हो जाता है और फीमेल बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो ये 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, उसके बाद मर जाएगा धीरे धीरे। ओके, लेकिन ये अगर बाहर निकल जाता है तो ये 1-2 घंटे के अंदर ये ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर होती है, बाहर का जो क्लाइमेट होती है, वो इनके लिए सुइटेबल नहीं होती है, इसलिए मर जाएगा। लेकिन फीमेल बॉडी के अंदर अगर घुस जाता है तो ये 5 डेज तक अलाइव रहता है। अगर आप सीमेन को लेकर अंडर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये जो भाग रहे हैं इधर उधर छोटे छोटे कीड़े जैसा, ये एक्चुअली स्पर्म है। लाखों में निकलते हैं ये सब, करोड़ों में निकलते हैं, 1-2 नहीं निकलते हैं मेल बॉडी से, ये पूरा निकलते हैं। और इनका फास्ट मूवमेंट के वजह से ये एग तक जाकर पहुँचते हैं और एग को फर्टिलाइज करते हैं। अगर इनके पास मूवमेंट ही नहीं होती, टेल ही नहीं होती, तो एग के पास पहुँच नहीं पाएंगे और एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। स्पर्म का ऊपर वाला हिस्सा को कहते हैं हेड, और हेड के नीचे ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं नेक, और इसको कहते हैं मिड पीस या फिर बॉडी ऑफ द स्पर्म भी कहते हैं। और बाकी जो हिस्सा बच गया है उसको हम टेल कहते हैं या फिर फ्लाजेलम कहते हैं। इस स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं हेड का स्ट्रक्चर के बारे में। हेड का स्ट्रक्चर को अगर जूम इन करके देखा जाए तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये आगे वाला जो हिस्सा होता है, इतना हिस्सा, ये एक्चुअली एक्रोजोम कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्रोजोम। एक्रोजोम के अंदर कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जिसको हम स्पर्म लाइसिन कहते हैं। स्पर्म लाइसिन बोले तो यहाँ पे यालुरोनाइडेज होगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होगा, जोना लाइसिन होगा, एक्रोसिन होगा, ऐसे तरह तरह का एंजाइम यहाँ पे मौजूद होगा। इसका काम क्या है? इसका काम है एक का प्रोटेक्टिंग लेयर को डिजॉल्व करना, मतलब तोड़ना, और स्पर्म को अंदर घुसने देना, बस इतना ही इसका काम है। ये एक्रोजोम वाला पार्ट इस सेल में मौजूद गोल्जी बॉडी से डिराइव हुआ है। गोल्जी बॉडी क्या होता है? गोल्जी बॉडी को हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपैरेटस भी कहते हैं। ये एक्चुअली एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल होता है। सेल ऑर्गेनेल बोले तो सेल का पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ऐसे ही गोल्जी बॉडी भी एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल है। मेरा पिछला वीडियो लेक्चर अगर आपने देखा है तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि ये गोल्जी बॉडी होता क्या है। तो इसमें गोल्जी बॉडी नहीं होती है, लेकिन गोल्जी बॉडी से डिराइव होकर एक प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं एक्रोजोम। एक्रोजोम के अंदर कई प्रकार का स्पर्म लाइसिन नाम का एंजाइम्स भर जाते हैं, जिसके मदद से ये स्पर्म ये एग का प्रोटेक्टिंग लेयर को छेद करके अंदर घुसेगा। ठीक है ना, बस इतना समझ में आ गया। बाकी ये जो चीज़ देख रहे हो ये क्या है? स्पर्म का हेड वाला रीजन, और इसमें साइटोप्लाज्म भरा है और कई प्रकार के सेल ऑर्गेनेल भी होंगे। और इसमें जो ये येलो कलर का जो चीज़ देख रहे हो ये एक्चुअली क्या है? न्यूक्लियस। इसी में ही 23 क्रोमोसोम मौजूद है।
स्पर्म का हेड वाला रीजन से थोड़ा सा नीचे की ओर जाएंगे तो हमें दिखाई देगा एक रीजन, एक पार्ट जिसको हम कहते हैं नेक। ये किसका नेक है? ये स्पर्म का नेक है। ये अगर स्पर्म का हेड हो गया तो ये स्पर्म का नेक हो जाएगा। नेक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि नेक रीजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको कहते हैं सेंट्रियल। क्या कहते हैं? सेंट्रियल। और ये हेड के पास है इसलिए इसको हम कहेंगे प्रोक्सीमल सेंट्रियल। ओके, प्रोक्सीमल सेंट्रियल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, समझ लो बात को। ये जो एग था, फीमेल सेक्स सेल, फीमेल गेमेट जो था, फीमेल गेमेट के अंदर ये घुस गया। अब ये घुसने के बाद क्या हो जाएगा? फर्टिलाइज होगी। फर्टिलाइज के बाद सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन नहीं होगा तो कैसे जायगोट बनेगा, कैसे एम्ब्रियो बनेगा, कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकता है ना? तो सेल डिवीजन के बिना ये कभी संभव नहीं है। तो इसको सेल को डिवाइड करना होता है। लेकिन सेल डिवीजन परफॉर्म करने के लिए इनको सेंट्रल नाम का एक हथियार की जरूरत पड़ती है। लेकिन फीमेल गैमेट में, इस एग में किसी प्रकार का सेंट्रियल मौजूद नहीं है। ओके, सेंट्रियल है नहीं। ये एग सेल का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये कहीं से भी सेंट्रियल का इंतजाम करे, कहीं से भी सेंट्रियल भाड़े में लेकर आए। तो इसको चिंता करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है जब स्पर्म इसके अंदर घुसता है, क्योंकि इसकी रीजन में, इसका नेक रीजन में प्रोक्सीमल सेंट्रियल मौजूद होता है। जैसे ही ये इसके अंदर घुसता है तो सेंट्रियल का अवेलेबिलिटी यहाँ पे हो जाती है। सेंट्रियल का मौजूदगी में यहाँ पे सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। जैसे ही हम नेक रीजन से थोड़ा सा नीचे की ओर जाएंगे तो नेक रीजन का नीचे वाला हिस्सा में और एक सेंट्रियल मौजूद रहता है। नेक की थोड़ा सा नीचे की ओर और एक सेंट्रियल होता है जिसको कहते हैं डिस्टल सेंट्रियल। क्या कहते हैं? डिस्टल सेंट्रियल। जैसे कि मान के चलो ये अगर हेड हो गया है, हेड के नीचे क्या है? नेक है। नेक के बाद मिड पीस है। तो यहाँ पे जो सेंट्रियल मौजूद था उसको हम क्या कहें? प्रोक्सीमल सेंट्रियल। और हेड से जो दूर में मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टल सेंट्रियल। इसका मतलब ये हुआ कि जो नीचे वाला जो सेंट्रियल है वो मिड पीस के ऊपर है, राइट। तो ये सेंट्रियल का क्या काम होती है? इस सेंट्रियल का काम होता है स्पर्म का एक्जोनियम को बनाना। स्पर्म का एक्जोनियम मतलब यहाँ पे बीचा बीच एक स्ट्रक्चर जाता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्जोनियम। और उस एक्जोनियम को बनाने में ये डिस्टल सेंट्रियल का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, तो थोड़ा सा नीचे की ओर अगर आ जाएंगे हमको ये मिड पीस दिखाई देगा। ये एक्चुअली क्या है? मिड पीस है। इसको हम बॉडी ऑफ स्पर्म भी कहते हैं। इस मिड पीस में, ये वाला हिस्सा में 10 से 14 स्पायरल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये बीचा बीच तो क्या जाएगा? बीचा बीच एक्जोनियम जाएंगे। एक्जोनियम को लपेट के रहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। और कितना माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होंगे मिडिल पीस में? मिडिल पीस में 10 से 14 स्पायरल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होंगे। मिड पीस में जो 10 से 14 स्पायरल माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, ये लोग पावर जनरेट करते हैं। इस पावर की वजह से ही यहाँ पे मौजूद टेल रीजन क्या होता है? मूवमेंट कर पाता है। ओके, तो इसीलिए स्पर्म का ये मिडिल पीस को, मिड पीस को पावर हाउस ऑफ द स्पर्म ही कहा जाता है। और ये रहा स्पर्म का टेल, फ्लाजेलम। क्या है? फ्लाजेलम। ये सिंगुलर है इसलिए फ्लाजेलम है, अगर प्लूरल होता तो फ्लाजेला है। इसको अगर हम काट देंगे तो हमको अंदर का हिस्सा इस तरह दिखाई देगा। ये जो चीज़ आप दिख रहे हो ये क्या है? ट्यूबल्स है, लंबा लंबा ट्यूबल्स है, पाइप है। ये ट्यूबल्स एक्चुअली ट्यूलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। ट्यूलिन प्रोटीन से बनी हुई पाइप को हम ट्यूबल कहते हैं। और ये ट्यूबल कहाँ पे मौजूद है? स्पर्म का टेल में मौजूद है। ये ट्यूबल्स का अरेंजमेंट 9+2 होता है। बीच में दो गो अनफ्यूज ट्यूबल्स होते हैं जो कि फ्यूज नहीं हुआ होते हैं, और बाकी जो बाहर होते हैं वो दो दो फ्यूज हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप चित्र में दिख पा रहे होंगे, ये दो दो ट्यूबल्स आपस में फ्यूज हुए हैं, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ जुड़ा फ्यूज्ड ट्यूबल्स हैं, इसलिए हम 9 लिखे हैं। और बीच में जो दो ट्यूबल्स हैं वो फ्यूज नहीं हुए हैं, इसलिए हम इसको 2 लिखे हैं।
स्पर्म का साइज और डायमेंशन के बारे में अगर बात करते हैं तो ये पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है, लेकिन एक एवरेज डायमेंशन साइज के बारे में अगर बात करते हैं तो स्पर्म का हेड का जो लेंथ होती है वो 5.1 माइक्रोमीटर का है, ये एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। और इसका जो चौड़ा के बारे में बात करेंगे तो ये 3.1 माइक्रोमीटर का होता है, और जब आप नेक रीजन के बारे में बात करते हैं तो ये 0.03 माइक्रोमीटर का होता है, और टेल वाला रीजन 50 माइक्रोमीटर का होता है, मतलब सबसे ज़्यादा लंबा कौन है, टेल है। यहाँ पे आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। जय हिंद।